नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। देवभूमि में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो अब रुख करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 57,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 606 आए हैं कोरोना के नए मामले। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 665 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 924 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 5,000 से अधिक इस वक्त एक्टिव केस हैं। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब 57,000 के पार उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा है। तो पिछले 24 घंटे में 606 नए मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 665 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, यानी कि जितने संक्रमण मामले हैं उससे ज्यादा मामले ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर हराकर ठीक हो गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना से अब तक 924 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में कोरोना के 5,000 से अधिक एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि एक्टिव जो केस हैं उनकी संख्या 5,000 इस वक्त है। तो 57,000 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, यानी कि अब तक उत्तराखंड में कोरोना काल में 57,000 केसेस कोरोना के आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 606 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 665 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में 665 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 924 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना काल में, यानी कि कोरोना काल में अब तक जो कुल संख्या है मौतों की संक्रमण की वजह से वो 924 है और 665 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं और 606 नए मरीज सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 5,000 से अधिक एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो आंकड़ा 57,000 के पार और 5,000 से अधिक एक्टिव केस इस वक्त। तो 606 नए मरीज सामने, हालांकि ये रफ्तार अगर पहले के मुकाबले देखें तो थोड़ी सी कम है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट पहले से बहुत बेहतर है और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में से 606 मरीज नए हैं लेकिन 665 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि संक्रमण से ज़्यादा रफ्तार कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की है। कोरोना काल में अब तक 924 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का वो 57,000 के पार पहुंच चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 5,000 इस वक्त एक्टिव केस मौजूद हैं उत्तराखंड में। देहरादून से खबर है जहां कोरोना वॉरियर्स से विनर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सीएम की पहल पर ये खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। समाज में जागरूकता के लिए खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र ने कोरोना विनर्स के साथ बैडमिंटन का मैच खेला तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वॉकाथन का भी फ्लैग ऑफ किया और मुख्यमंत्री आवास में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। समाज में कोविड-19 से लड़ाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल है कोरोना वॉरियर से विनर, तो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें खेल विभाग के तत्वाधान में कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए अनेक खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कोरोना वॉरियर से विनर ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है और इसमें खेल विभाग के तत्वाधान में कोरोना से ठीक हुए जो लोग हैं उनके लिए ये खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता हो और कोरोना से लड़ने के लिए जो जज्बा है वो मजबूत हो। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वॉकाथन का भी फ्लैग ऑफ किया और मुख्यमंत्री आवास में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम तरह के दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं, जहां ये हमारे हार्ट को, लंग्स को, पेनक्रियाज को कमजोर कर रहा है। कई जगह ये भी देखा गया कि जो रेटिना है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जा रही हैं, तमाम तरह के दुष्प्रभाव इसके दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि लोग मानसिक रूप से मजबूत हों। जितने भी कोरोना विनर हैं, पहले हमने जो वॉरियर्स हैं उनके मनोबल बढ़ाने का काम किया, आज जो कोरोना विनर हैं वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब वो उल्टा हो रहा है, वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ पूरे राज्य में चाहे खेल हो, दौड़ हो, लेख प्रतियोगिता हो,
ऐसे तमाम तरह के किसी के एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स के अनुभव हैं अपने, उनका पूरा एक तरह से संग्रहित किया जा रहा है उनके अनुभवों को, ताकि जो कोविड पेशेंट हैं उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में भी तमाम तरह के अनुभव हमारे संग्रहालयों में रहें तमाम तरह। तो फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, जिस तरीके से ये पहल की गई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जागरूकता को लेकर, ये वाकई एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसके जरिए लोग जागरूक भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर डर था, अब कोरोना वॉरियर्स के जो विनर हैं उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन एक तरीके से लोगों को मजबूत करता है, मनोबल बढ़ाता है। बिल्कुल, देखिए इसी सोच के तहत ही मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, हरी पहल की है, और मुख्य तौर पर जैसा कि आपको बताया कि ये मनोबल को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है। ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना से पीड़ित हैं और फिर उसके बाद वो कोरोना से जंग जीत करके ठीक हो जा रहे हैं, तो उसमें लेकिन काफी इम्यूनिटी डाउन होना और कमजोरी होना और एक मानसिक तौर पर कमजोरी होना, ये तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स के अध्ययन में भी सामने आ रही हैं, और जो जो कोरोना से जीत करके वापस आए हैं, कई लोगों से हम लोग भी बात करते हैं तो वो इस तरह की शिकायतें करते हैं कि आत्मबल डाउन हो जा रहा है। तो लिहाजा उसी को देखते हुए, क्योंकि कोरोना से जंग जीतने के बाद की का जो जीवन है वो उस तरह से सर्वाइव करना, उस तरह से समाज में आना, अपने काम जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का आयोजन आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री की ही कोशिश है। और इसको अगर हम इस तरह से जोड़ करके भी देखते हैं कि जो भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कही कि जो कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना विनर्स को लेकर के डॉक्यूमेंट्री की एक प्रतियोगिता की बात की गई है, उसकी कड़ी में ये एक अगला कदम है और काफी सराहनीय ये है, इसको बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल के तौर पर। सबसे अच्छी बात ये कि सरकार खुद इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है और लगातार जागरूकता अभियान को लेकर नए नए तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जागरूकता अभियान ना सिर्फ इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, पोस्टर्स लगा दिए जाएं या फिर इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करके हम लोगों को बताएं कि जागरूक होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज के साथ लोगों के सामने सरकार जा रही है, अपनी तरफ से जो अभियान चला रही है उसका उसके लिए एक बेहद ही अनोखे तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समझने में भी आसानी हो रही है और सबसे बड़ी बात कि लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उसका आइडिया बहुत अलग है। बिल्कुल, अरे तो देखिए अगर हम इससे भी कुछ समय पहले तक की बात देख लें तो कोरोना से जो जंग जीत कर ठीक होकर के लोग आ रहे थे तो उनसे समाज में थोड़ा सा भेदभाव भी देखने को मिल रहा था, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके घर के रिश्तेदार, घर के लोग तो एक दूरी बना करके रह रहे थे और उसका मानसिक तौर पर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ रहा था जो कोरोना पीड़ितों के लिए, कोरोना से ठीक होने वालों के लिए। और अब लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वो चीज कम हुई है, लोग कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, एक दूरी मेंटेन करते हुए, जो एक एसओपी है, जो एहतियात बरतने की जो सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन अब घुल मिल रहे हैं धीरे धीरे करके, वो बात नहीं है जब शुरुआती दिनों में थी। तो ये एक उसी का असर है जो सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है, और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये फिजिकल तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी दोनों तौर पर मजबूती प्रदान करेगा, आत्मबल बढ़ाने के लिए भी, और जो दूसरे लोग और चिंता करते हैं उनको देख करके उनमें भी वो डर दूर होगा कि नहीं भाई अगर कोई कोरोना पीड़ित था और आज वो ठीक हो गया है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उसके साथ एक निश्चित दूरी मेंटेन करके रहा जा सकता है, बात की जा सकती है, खेला जा सकता है। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फहीम आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुड़की से खबर है जहां कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, कुट्टू के आटे से कई भक्तों की तबीयत बिगड़ गई है। कुट्टू के आटे से बना खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, नवरात्रि का पहला व्रत रखने के बाद व्रत खोला था, कुट्टू के आटे से बना खाने से भक्तों ने व्रत खोला, 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, तो गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की, भगवानपुर और मंगलौर क्षेत्र में कई लोग बीमार हुए हैं, सूचना के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो नवरात्रि का पहला व्रत और
आपको बता दें कि जिस तरीके से व्रत रखा गया उसके बाद एक प्रक्रिया है, क्योंकि शाम को व्रत खोला जाता है, तो कुट्टू के आटे से जो बना खाना है वो लोगों ने खाया, जिसके बाद कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और जो गंभीर जिनकी तबीयत खराब हो गई है, गंभीर हालत है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कुट्टू के आटे से बना खाना खाने के बाद ये तबीयत बिगड़ गई लोगों की। नवरात्रि का पहला व्रत रखने के बाद ये व्रत खोला कुट्टू के आटे से बना खाना खाने से। भक्तों ने अपना व्रत खोला था। 50 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि इस खाने को खाने के बाद बीमार हो गए, जो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। रुड़की, भगवानपुर और मंगलौर क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए हैं। 50 से ज्यादा लगभग ये संख्या है जो बीमार हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुनील पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि कुट्टू के आटे से बना ये खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार ये लोग हुए हैं, एक साथ इतनी संख्या में ये लोग शिकार हो गए, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ के लोग इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, और ये क्या वजह सामने आई है कि कुट्टू के आटे से बना खाना खाने से, यानी कि कुट्टू के आटे में कुछ गड़बड़ थी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो कल जो नवरात्र शुरू हुए थे, पहला व्रत कल रखा गया था श्रद्धालुओं द्वारा, जो भक्तों द्वारा पहला व्रत रखा गया, उसके बाद जो शाम को उन्होंने व्रत खोला तो कुट्टू के आटे से बनी रोटी उन लोगों के द्वारा खाई गई है, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी और उनको उल्टी और दस्त की एक जो है बीमारी लग गई थी, जिसके बाद से जो है जो ज्यादा सीरियस हालत में देखे गए उनको गाँव से जो है हॉस्पिटल के लिए भेजा गया, जिनका उपचार चल रहा है। वही जो सूचना मिल रही है कि भगवानपुर क्षेत्र, मंगलौर क्षेत्र, रुड़की क्षेत्र से लगभग 50 से अधिक लोगों को ये फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिनको अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है। वहीं फूड इंस्पेक्टर और पुलिस टीम के साथ में जो है छापेमारी कर रहे हैं, जो लोग कुट्टू आटा बेच रहे हैं उनके जो है सैंपल ले जा रहे हैं। और बात ये है कि इतने मतलब अलग अलग इलाके के लोग इतनी संख्या में बीमार हुए हैं इस आटे का सेवन करने के बाद, कुट्टू के आटे के जो खाना बना है उसको खाने के बाद, तो ये कुट्टू का आटा जिस भी जगह से आया है जाहिर से बात है कि इसमें कुछ कमी है, तो ये इतनी जगह इतनी दुकानों पर सप्लाई हुआ होगा जहाँ से, तो पुलिस सीधा जाके वही छापेमारी की कार्रवाई करेगी या जाँच के लिए वही जाएगी जहाँ से सप्लाई हुआ है दुकानों पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वही फूड इंस्पेक्टर भी साथ में है। फूड इंस्पेक्टर से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो उनका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी लगती है वहाँ पर जो माल बनाया जाता है उस माल की वहाँ पर सैंपलिंग ले जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नकली माल को नकली आटा ही बोलेंगे, जिसको खाने से जो है लोगों की तबीयत खराब हुई है। और जिस तरह से जो अब फिलहाल जो है फूड इंस्पेक्टर जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं हर दुकानों पर जो सैंपल ले जा रहे हैं आटे के, ये यानी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही जो है फूड इंस्पेक्टर की आँख खुल रही है। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, 50 से ज्यादा लोग लगभग ऐसे हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है। वहीं हरिद्वार में व्यवसायियों ने हंगामा किया है, प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में यह हंगामा किया गया। व्यवसायियों ने यह हंगामा किया है, होटल पर्यटन सामान्य व्यवसाय की प्रशासन की बैठक हुई और पर्यटन कार्यालय में आयोजित की गई थी बैठक। IAS अफसर अंशुल पर व्यवसायी भड़के, कर्मचारियों की कोरोना जांच कराने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशासन ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें व्यवसायी भड़क उठे। व्यवसायियों ने IAS अफसर अंशुल पर आरोप लगाया, व्यापारी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे IAS अफसर। तो व्यवसायियों ने हंगामा किया, व्यवसायियों ने IAS अफसर अंशुल पर आरोप लगाया है कि व्यापारी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे IAS अफसर, इसी वजह से उन्होंने ये हंगामा किया है। तो आपको बता दें कि कोरोना जांच को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, कोरोना जांच कराने के लिए बैठक बुलाई गई थी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशासन ने बैठक बुलाई थी, और वहीं व्यवसायियों ने IAS अफसर अंशुल पर आरोप लगाया है कि व्यापारी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे IAS अफसर, जिसके बाद व्यवसायियों ने ये हंगामा किया। तो होटल पर्यटन सामान्य व्यवसाय की प्रशासन बैठक में यह हंगामा हुआ है। तो हरिद्वार में व्यवसायियों ने हंगामा किया, प्रशासन के साथ आयोजित हुई थी बैठक, होटल पर्यटन सामान्य व्यवसाय की प्रशासन के बैठक पर्यटन कार्यालय में आयोजित की गई थी, और IAS अफसर अंशुल पर व्यवसायी भड़के, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो व्यापारी को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से व्यवसायियों ने हंगामा किया है और उसके बाद ये आरोप लगाया है IAS अफसर अंशुल पर कि वो धमकी दे रहे थे जेल भेजने की किसी व्यापारी को, क्या वजह है हंगामे की, जो असल वजह है वो क्या है?
बिल्कुल प्रशासन के द्वारा व्यापारियों के साथ में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि जो कोरोना के चलते जो व्यापारी हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनको उनकी जांच कराने के बाद में उनको आइसोलेट करने की बात की जा रही थी। तो कुछ होटल व्यवसायी थे, उनका कहना था अगर हमारे पास दो कर्मचारी हैं हम उनको ही आइसोलेट कर देंगे तो किस तरह से व्यापार चलाएंगे अपना। तो इस बात पर बहस हुई, तो उस पर इसके चलते आईएएस अधिकारी के द्वारा कहा गया कि नहीं तो पुलिस के द्वारा इनको आपको अरेस्ट करके 100 दिन तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस पर व्यापारी भड़क पड़े और व्यापारी के भड़कने के चलते तमाम जो व्यापारियों ने उस बैठक को का बहिष्कार किया। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से व्यापारियों को समझाया गया, उसके बाद क्षमा याचना के बाद में फिर संबंध उनको समझाने के बाद में दोबारा से फिर बैठक को चालू किया गया। जी ठीक, सुमित बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। हरिद्वार से खबर है जहां ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। दौलतपुर ग्राम पंचायत से प्रधान की दबंगई सामने आई महिला ने ग्राम प्रधान पर गाली गलौज देने का आरोप लगाया है। विकास न होने की वजह पूछने पर महिला के साथ अभद्रता हुई तो महिला को जाति सूचक शब्द कहकर धमकी देकर भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने बहादराबाद थाने में तहरीर दी है। तो महिला ने ग्राम प्रधान पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विकास ना होने पर ये सवाल उठाया गया था, महिला की तरफ से वजह पूछी गई थी कि विकास नहीं हुआ, जिसके बाद महिला के साथ अभद्रता की गई। महिला को जाति सूचक शब्द कहकर धमकी देकर भगा दिया गया और साथ ही गाली गलौच भी की गई महिला के साथ, और पीड़ित महिला ने बहादराबाद थाने में तहरीर दी है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जिस तरीके से ये आरोप लगा है महिला की तरफ से ग्राम प्रधान के ऊपर कि विकास की बात ना होने को लेकर सवाल किया था, उसके बाद जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौच करके महिला को भगा दिया गया। बिल्कुल, ये दौलतपुर ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा एक नगर जो हैंडपंप है, हैंडपंप के लिए मांग की गई थी, उसके लिए लगातार जो उसके लिए पूछने के लिए जब प्रधान के पास जाते तो प्रधान के द्वारा उनको गाली गलौज और अपशब्द कहकर उनको वहां से भगा दिया गया। तो उसके चलते उन्होंने बहादराबाद थाने में FIR दर्ज भी कराई, लेकिन उसके बाद में शिकायत पत्र दिया, उसके बाद DM साहब के पास में भी दिया। जब DM साहब से भी जब इसके बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह पे जिसकी जांच होगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा किस तरह का क्या मामला हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो वही हरिद्वार DMC रवि शंकर की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गंग नहर की सफाई करने के निर्देश दिए और कहा कि इसके लिए एक व्यापक सफाई अभियान चलाया जाए। गंग नहर में जो सिल्ट जमी है उसे पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं NCC NSS का व्यापक रूप से सहयोग लिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से पूरे गंग नहर की वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि हरिद्वार में हर साल गंगा बंदी होती है दशहरा से दिवाली। इस बार क्योंकि कुंभ के भी काम चल रहे हैं तो हमने भी यूपी गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा इसकी अवधि बढ़ाई जाए, और वो बढ़ी भी है और 14 नवंबर तक गंगा बंदी एक तरह से रहेगी। इस दौरान बहुत सा ऐसा कूड़ा जिसमें कपड़े भी हैं, इसमें कुछ प्लास्टिक आइटम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें शूज़ भी डाल दे रहे हैं, कुल मिला के ऐसी चीज़ें जो गंगा जी को एक तरह से अफेक्ट कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, वो पड़ी हुई हैं, उन सबको हटाने का ये अभियान है। इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, गंगा सभा हमारे साथ है, इसमें लिंग भगीरथ, स्पर्श गंगा, NSS की टीम है, इसके अलावा आकांक्षा ग्रुप है और बहुत से वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों भी आने के लिए कमिट किया है। तो कुल मिला के टास्क इतना ही है कि एक ये एक तरह का पीपल्स मूवमेंट बने और लोग इससे जुड़ें, संस्थाएं इससे जुड़ें, और ये जो एक महीने का समय है इसमें हम बहुत अच्छा इसको उपयोग करते हुए गंगा जी को स्वच्छ बनाएं और आने वाला जो कुंभ है। डोईवाला नगर पालिका ने रेहड़ी ठेली वालों को और अपना रोजगार शुरू करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए भारत सरकार की स्कीम के तहत योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया है, जिससे नगर पालिका ने अपने स्तर से तो पूरी कार्रवाई की है, लेकिन बैंकों की कार्यप्रणाली से योजना का लाभ लेने वाले परेशान हैं, जिस कारण इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगता दिख रहा है। का जो लोन दे रही है हमें 10,000 का, ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि बैंक वाले जो है बहुत चक्कर कटा रहे हैं हमें।
फॉर्मेलिटी का भी कोई फॉर्मेलिटी मतलब एक बार में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें रेगुलर बताई जाए और हम उनके लिए फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर दें। हो गया कम से कम एक महीना हो गया जी और दो हफ्ते करीब हो गए मैं गया था उनके पास, उन्होंने फिर मेरे को KYC के लिए फॉर्मेलिटी के लिए पूरे करने के लिए कहा और उसके बाद अभी कोई मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पालिका जो लोन दे रही है हमें 10,000 का, स्कीम तो बहुत अच्छी है लेकिन क्या है कि बैंक वाले जो है बहुत चक्कर कटा रहे हैं हमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 इंडिया।